उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनका देश अब और परमाणु और मिसाइल परीक्षण नहीं करेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले 150 विलफुल डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट जमा कर लिए हैं। कर्ज वसूली अभियान में जुटा पीएनबी 37 कर्जखोरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा चुका है। रायबरेली के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश प्रताप सिंह अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी, 2019 लोकसभा चुनाव में रायबरेली से कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। भाजपा ने झारखंड के स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए सभी 5 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग लाने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जजों को धमकाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक 4 माह की बच्ची के साथ रेप की दर्दनाक घटना सामने आई है। बच्ची के रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वीडन के मशहूर डीजे और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर अवीची का निधन हो गया। वह ओमान के मस्कट में अपने घर में मृत पाए गए। वह सिर्फ 28 साल के थे। आईपीएल 11 में कल देर रात खेले गए मैच में शेन वॉटसन के शानदार शतक की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 64 रन से हरा दिया। गाजियाबाद में बारातियों से भरी एक टाटा सुमो गहरे नाले में गिर गई। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई।